राधे कृष्ण मित्रों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को एक विशेष जगह भ्रमण कराऊंगी जिसका नाम है निधि वन। इसे मधुवन व तुलसी वन के नाम से भी जाना जाता है। यह वृंदावन में है। यहाँ दावा किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग आज भी हर रात्रि को यहाँ रास करने को आते हैं। वीडियो देखने के बाद सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। निधिवन में प्रवेश करते ही आप अपने जूते व चप्पल शू रैक में रख दीजिएगा। यहीं पास में राधा रानी जी के श्रृंगार का सामान मिलता है, आप इसे खरीद सकते हो। और यहां बंदरों को खिलाने के लिए चने भी मिलते हैं, आप चाहो तो बंदरों को चने भी खिला सकते हो। यह निधिवन का प्रवेश द्वार है। निधिवन के अंदर 5 दर्शनीय स्थल हैं। पहला ललिता कुंड, दूसरा श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, तीसरा श्री राधा रानी जी का श्रृंगार घर जिसे कि रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, चौथा वंशी चोरी राधा रानी मंदिर, पांचवा श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थली। यह वन 5000 गज जगह में बना हुआ है। यहाँ पर 16108 वृक्ष हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान की रानियां हैं। यहाँ आज भी हर रात्रि को भगवान कृष्ण राधा रानी जी व गोपियों के संग रासलीला करते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ के वृक्षों में बड़ी अद्भुत व अनोखी बात है, इनके तने सूखे व खोखले हैं। इन्हें कोई भी पानी नहीं देता है, परंतु इनकी पत्तियां सदा हरी भरी ही रहती हैं। मित्रों, अभी कुछ वर्षों पूर्व ही आप लोगों की सुविधा के लिए यहां जालियां लगा दी गई हैं, ताकि दर्शन करने वाले लोगों को बंदर तंग ना करें। आपको बंदरों से जरा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, पर अभी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मान्यता है कि यहाँ की रज व पेड़ों के पत्तों को भी अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहिए। स्वामी हरिदास जी ने अपना सारा जीवन यहीं निवास किया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण व राधा रानी जी ने अनेक क्रीड़ाएं करी हैं। ये जो वृक्षों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये वृक्ष नहीं है बल्कि ठाकुर जी की रानियां व गोपियां हैं। ये वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की गोपी रूप पाने के लिए, ताकि वह श्री कृष्ण जी का साथ पा सके। गोपी वह है जो संसार के सारे सुख व वैभव को छोड़कर भगवान श्री हरि को अर्पण है। श्री ठाकुर जी महाराज ऐसे ही हैं, जो उन्हें जिस रूप में पूजता है वह उनको उसी रूप में पाता है। भक्तजन विभिन्न रूपों में इनसे प्रेम करते हैं। कोई इन्हें सखा बना लेता है, कोई गोपी बना लेता है, कोई इन्हें अपना प्रियतम बना लेता है, तो कोई इन्हें बालक रूप में पूजता है। श्री हरि जी अपने भक्तों की पूजा हर रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। चलिए चलते हैं ललिता कुंड के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी व गोपियों के संग रास कर रहे थे, तो राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी को प्यास लग गई। तब श्री भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड का निर्माण किया, इसीलिए इसे ललिता कुंड कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य स्थली ले चलती हूँ।
इस स्थान पर श्री हरिदास जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हरिदास जी के गोद में प्रकट हुए थे। श्री हरिदास जी संगीत सम्राट थे। उन्होंने अपने संगीत से भगवान कृष्ण व राधा रानी जी को प्रकट किया था। बाद में उनकी प्रतिमा एक हो गई थी। आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं कि श्री हरिदास जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी जी प्रकट हुए थे। श्री हरिदास जी तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन जी तीसरे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में संगीत सम्राट थे। एक बार अकबर को इच्छा हुई कि वह तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी से मिलना चाहते थे। वह सोचते थे कि जिसका शिष्य इतना अच्छा गाता है तो गुरु कैसा गाता होगा। उन्होंने तानसेन से कहा, अपने गुरु को यहाँ बुलाओ, हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। तब तानसेन जी ने कहा, माफ करना महाराज, मेरे गुरु जी श्री वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। यदि आपको उनसे मिलना है तो आपको उनके पास जाना होगा। तब अकबर जी निधिवन में पधारे थे। उन्होंने श्री हरिदास जी को इत्र भेंट किया था और वह इत्र श्री हरिदास जी को बहुत पसंद आया था। आज भी जब आप निधिवन में प्रवेश करोगे तो उस इत्र की महक आती है, क्योंकि वह इत्र आज भी ठाकुर जी के श्रृंगार में प्रयोग होता है। सम्राट अकबर श्री हरिदास जी से कहते हैं, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तब श्री हरिदास जी कहते हैं, केसी घाट में 3 सीढ़ियाँ टूट गई हैं, तुम उनकी मरम्मत करवा दो। अकबर जब वहाँ जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो सारी की सारी सीढ़ियाँ सोने की बनी हुई थी। वो समझ जाते हैं कि श्री हरिदास जी कोई मामूली संत नहीं है। कहा जाता है कि श्री हरिदास जी श्री राधा रानी जी की प्रिय सखी ललिता जी के अवतार थे। चलिए अब मैं आप सभी लोगों को रंगमहल की ओर ले चलती हूँ। रंगमहल अपने अद्भुत चमत्कारों के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ रोज आते हैं और श्री राधा रानी जी का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद रासमंडल में जाकर सारी गोपियों व राधा रानी जी के संग रास रचाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है। उनके लिए चांदी का बिस्तर सजाया जाता है। राधा रानी जी के लिए सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है। पान रखे जाते हैं। बिस्तर के पास जल का लोटा रखा जाता है। दातून भी रखे जाते हैं। संध्या आरती के बाद यहाँ के दरवाजों में ताले लग जाते हैं। यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक लकड़ी का है, दूसरा स्टील का है। दोनों दरवाजों में मिलकर 7 ताले लगाए जाते हैं। शाम होते ही सभी बंदर व पशु पक्षी भी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि रात्रि को ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के संग व गोपियों के संग रास रचाते हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह भी श्री हरि जी के किसी भी लीला में बाधा नहीं डालते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी संध्या होते ही अपने दरवाजे व खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। कभी कभी स्थानीय निवासियों को रात के समय वंशी, पायल व घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। यहाँ 7 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती है। सुबह आरती के समय जब दरवाजा खुलता है तो सभी भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दातून चबी हुई मिलती है, लड्डू आधा खाया हुआ मिलता है, पान भी चबे हुए मिलते हैं, जल फैला हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। यहाँ कुछ न कुछ सबूत रोज मिलता है, जिससे पता चलता है कि रात में कोई न कोई आया होगा। अब 7 तालों के अंदर तो भगवान ही प्रवेश कर सकते हैं। ये सब तो भगवान की ही लीला है। रंगमहल की ऊपर की दीवारों पर आज भी आप श्री भगवान कृष्ण व राधा रानी जी की लीलाएं देख सकते हैं।
कहीं पर वह श्री राधा रानी जी संग यमुना में नौका विहार कर रहे हैं, तो कहीं पर वह तानपुरा बजा रहे हैं और श्री हरिदास जी उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। श्री हरिदास जी ने केलीमाल में एक एक व्याख्या लिखी है। केलीमाल श्री हरिदास जी के द्वारा लिखित है। यदि आप पर्दा हटाओगे तो आज भी आपको केलीमाल के 110 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनमें श्री हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी जी की सारी लीलाओं का वर्णन किया है, जिसे वो खुद अपनी आँखों से निहारा करते थे। आज भी यहाँ पर केलीमाल किताब मिलती है, जिसकी मान्यता है कि लोग यह किताब अपने घर ले जाते हैं और उसका पाठ कराते हैं, जिससे उन्हें संसार के सारे सुख व वैभव प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको रासमंडल की ओर ले चलती हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी जी व गोपियों के संग रासलीला करते हैं। यहाँ पर अष्टमंडल है, जहाँ पर श्री राधा रानी जी की 8 प्रमुख सखियाँ बैठती हैं। इनका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या व सुख देवी। एक बार भगवान शंकर भी स्वयं गोपी का रूप धारण करके रासलीला का आनंद लेने आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी तो वो देवों के देव महादेव को पहचान गए। उन्होंने उन्हें गोपेश्वर महादेव का नाम दे दिया। निधिवन के पास में ही भगवान शिव का गोपेश्वर महादेव नाम का मंदिर है। पूरे भारत में केवल यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भोले जी का श्रृंगार गोपी की तरह होता है। उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है, नाक में नथनी पहनाई जाती है। मित्रों, यदि आप पर समय हो तो आप गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर जरूर जाइएगा और भोले जी के इस अद्भुत रूप का दर्शन जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को वंशी चोरी श्री राधा रानी जी के दर्शन कराती हूँ। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी रंग महल में आराम कर रहे थे, तब राधा रानी जी ने उनकी वंशी चुरा ली थी। उनका कहना था कि श्याम जी को उनकी वंशी उनसे भी ज्यादा प्रिय है, इसीलिए उन्होंने उनकी वंशी चुरा ली ताकि श्याम जी अपना सारा समय उन्हीं को दें। पूरे विश्व में यह एकलौता मंदिर है जहां पर श्री राधा रानी जी ने अपने हाथों में वंशी ली है। यहां पर श्री राधा रानी जी ने वंशी बजाई थी। उनकी सखियां ललिता व विशाखा भी उनके संग हैं। अब मैं आप लोगों को स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थली पर ले चलती हूँ। इस स्थान पर श्री स्वामी महाराज ने अपनी सारी लीलाओं को समाप्त कर जीवित समाधि ली थी। आप आज भी ऐसे महान संत की समाधि के दर्शन कर सकते हो, जिनके सौभाग्य से हम आज भी भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी जी के साकार व निराकार रूप में दर्शन करते हैं। जो उन्हें जिस भाव से मानता है वो उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। बाहर की ओर कुछ संतों की समाधियां बनी हुई हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ समाधियां उन लोगों की भी हैं जिन्होंने निधिवन में रात को रुककर भगवान हरि के दर्शन किए, परंतु दूसरी सुबह कोई पागल हो गया तो कोई हंसता ही रह गया, किसी ने जीने की चाह ही छोड़ दी। वह सब के सब भगवान के साकार रूप को शब्दों में बयां नहीं कर सके। शायद श्री हरि जी के साकार रूप का दर्शन करना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव है। वह परमपिता परमेश्वर का रूप देखकर इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसके लिए उनकी सुंदरता व लीला का बयान करना आसान नहीं होता है। इसीलिए तो हम सभी मूर्ति रूप में या निराकार रूप में ही उनके दर्शन करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और मेरी वीडियो इसी तरह आप आगे भी देखते रहें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी सेफ रहें और सुरक्षित रहें। जय श्री राधे कृष्णा।